प्रॉपर्टी फैंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नासिंग रामी पाकिस्तान ने दुनिया में एक नाम पैदा कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान दुनिया में अपने हथियार फरोख्त करने के काबिल हो चुका है। पाकिस्तान ने जहाज साजी में भी एक नाम पैदा किया है। इसके JF-17 थंडर ने एक तहलका मचा रखा है। पाकिस्तान को दुनिया भर की एजेंसियाँ कैसी नजर से देख रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा ये की पाकिस्तान ने फौजी लिहाज से कितनी तरक्की की है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकोन को दबा लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन चलकर पाकिस्तान के हथियारों के बारे में बात करते हैं। नासिंग रामी पाकिस्तान जो इससे पहले चीन और अमेरिका से हथियार खरीदता था, पाकिस्तान ने 10 सालों में अमेरिका और चीन से जो हथियार खरीदे, इनसे तो यही अंदाजा होता है कि पाकिस्तान सिर्फ हथियारों का खरीदार ही है और इसके अपने कोई ज़राए नहीं है कि वो अपने हथियार बना सके। लेकिन पाकिस्तान इसके साथ साथ खुद भी जो हथियार बनाए, इसकी वजह से दिफाई मरीन शस्त्र रह गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बरामदात का जो अंदाजा लगाया गया है $300 मिलियन से भी बढ़ गई है, और ये भी बताया जा रहा है, माहिरीन इस बात का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के हथियारों की फरोख्त की बुनियादी वजह यह है कि दुनिया पाकिस्तान के बने हुए हथियारों को पसंद भी करने लगी है और इन पर भरोसा भी करती है। दूसरी आम बात यह है कि पाकिस्तान हथियार जिस शरह से फरोख्त कर रहा है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जंगी हथियारों में खुद कफील हो चुका है। दिफाई तजिया निगार ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से हथियार फरोख्त करता रहा तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान की बरामदाद $1 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और इसमें बड़े से बड़े हथियार भी शामिल होंगे और छोटे से छोटे भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान खतरनाक हथियारों की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादातर बड़े हथियार ही खरीदे जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा कई एक मुल्कों की नजर में है, और नाइजीरिया और म्यांमार ने यह तैयारा पाकिस्तान से खरीदा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के टैंक और गाड़ियां भी फरोख्त कर सकता है। पाकिस्तान के ये तैयारे खरीदने के लिए कई एक मुल्क कतार में है और इस इंतजार में है कि कब ये तैयारा तैयार हो और कब हम पाकिस्तान से खरीदें। नासिंग रामी पाकिस्तान के हथियारों की मार्केट जिस तेजी से अपना मुकाम पैदा कर रही है, इससे माहिरीन इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान हथियार साजी में कई एक मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। नासिंग रामी यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान को इस मुकाम तक ले जाने में चीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान की जिस तरह मदद की है वो इसकी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन दोस्ती की मिसाल है। माहिरीन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने चीन के साथ जो तावन रखा हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान की असलाह साजी की सन्नत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और दुनिया भी हैरत ज़दा है कि जिस तरह चीन ने देखते ही देखते तरक्की की है, इसी तरह पाकिस्तान भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, और दुश्मन को ये बात नागवार गुजरती है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान अगरचे शुरू से ही कुछ न कुछ हथियार बनाता रहा है, लेकिन वो बहुत छोटे हथियार थे जिनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। लेकिन जब से चीन ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा है, पाकिस्तान ने न सिर्फ मिसाइल बल्कि हथियारों तक बनाने में महारत हासिल कर ली है। जहाँ ये भी याद रहे कि छोटे हथियार इससे पहले पाकिस्तान छोटे ममालिक को फरोख्त कर रहा था, लेकिन बड़े हथियारों के लिए बड़े अखराजात होते हैं, इसलिए वो हथियार बड़े ममालिक को दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान छोटे मुल्कों को राइफल, पिस्तौल और इस तरह की और दिफाई जरूरियात की चीजें फरोख्त करता रहा है, और इनकी बरामदाद में भी खातर खुआ मुकाम हासिल किया है। लेकिन अब बड़े हथियारों की बरामदाद की वजह से पाकिस्तान शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा है। एक तरफ तो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को हथियार फरोख्त करके अपनी तजारत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हथियार दूसरे मुल्कों से खरीदता था, इनमें भी कमी वाकई हो गई है, इसलिए कि पाकिस्तान अब वो हथियार खुद बनाने लगा है और इन हथियारों में खुद कफील हो गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान का दिफाई बजट बहुत हद तक कम हो गया है, और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इसी तरह अपनी तरक्की की तरफ रवान दबा रहा है, तो बहुत जल्द पाकिस्तान हथियार फरोख्त करने वाले टॉप 10 ममालक में शामिल हो सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि पाकिस्तान ने $300 मिलियन के हथियार दूसरे ममालक को फरोख्त किए हैं, ये सब छोटे हथियार थे, लेकिन पाकिस्तान ने नाइजीरिया और म्यांमार को JF-17 थंडर जो फरोख्त किए हैं, इनमें चीन का भी शेयर था। पाकिस्तान चीन के साथ जो भी मुआहदा करता है, इसे खुफिया रखा जाता है और दूसरे मुल्कों के इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता।
खास तौर पर अमेरिका जो चीन का दुश्मन है और इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी रखता है। लेकिन माहरीन इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान शेर की शरह क्या है। कुछ कहते हैं कि 60 और 40 की है, कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान का ज्यादा शेर है और चीन सिर्फ कुछ मदद कर रहा है, बाकी तमाम तैयारी पाकिस्तान खुद करता है इसलिए कि पाकिस्तान की साख में इजाफा हो और इसकी मार्केट दुनिया में तरक्की करे, इसलिए कि लोग समझते हैं कि चीन के बने हुए जहाज भी काबिले एतमाद हैं और पाकिस्तान चूंकि चीन के साथ मिलकर जहाज साजी कर रहा है इसलिए ये जहाज भी काबिले एतमाद होंगे। प्यारे दोस्तों, म्यांमार को जो तैयारे दिए गए थे वो भी चीन के मुदाखले से सौदा हुआ था। यहाँ ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान ने जो अपना टारगेट बनाया हुआ है कि इसने $1 बिलियन के हथियारों की मार्केटिंग करनी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी टारगेट हासिल करेगा और चीन की मदद और तावन से तेजी के साथ तरक्की करेगा। माहरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के हथियार दो लिहाज से दुनिया की नजरों में ज्यादा काबिले कबूल हैं। इसमें पहले नंबर पर इनकी कीमत अमरीकी हथियारों से कम है और दूसरा ये कि इन हथियारों में चीन भी दाखिल है और चीन के हथियार भी दुनिया में एक खास शोहरत रखते हैं, इसलिए दुनिया समझती है कि पाकिस्तान के हथियार भी असल में चीन के फार्मूले पर ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी कदरों कीमत मुसलसल बढ़ रही है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।